हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू फोटोकार्ड से स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए क्या है GSO का 8 इंच प्रोफेशनल टेलीस्कोप। तो आज हम इसका आपको सेटअप और अनबॉक्सिंग दोनों ही इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो जल्द ही एक दो दिन में हम इससे कैसे प्लैनेट दिख रहे हैं। अभी जो विजिबल है मून सैटर्न जुपिटर नॉर्मली अभी विजिबल हो रहे हैं, तो हम इन तीनों को प्लैनेट को कवर करेंगे इसकी वीडियो में। तो वो वीडियो भी हम आपको जल्दी ही एक दो दिन में डालने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जिससे कुछ भी चीज़ मिस ना हो पाए। और हम लोग डील वीडियो भी बैक टू बैक डालते रहते हैं तो आपको बेस्ट डील भी मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं GSO 8 इंच का अनबॉक्सिंग एंड सेटअप वीडियो। दोस्तों ये जो टेलीस्कोप है दो बॉक्सों में आता है, एक में ट्यूब होता है और एक में एक्सेसरीज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले एक्सेसरीज वाला बॉक्स स्टार्ट कर लेते हैं। GSO 8 इंच प्रोफेशनल टेलीस्कोप में ये सारी एक्सेसरीज निकलती हैं, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये निकलता है टेलीस्कोप का कंप्लीट बेस, इसको सेट करना पड़ेगा हमें, ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसके अंदर सारा कुछ बता रखा है आपको, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसके अंदर पार्ट क्या आते हैं ये उसकी लिस्ट है, उसके बाद इसको असेंबल कैसे करना है इसके बेस को, ये उसका सेट है। ट्यूब को कैसे असेंबल करना है ये उसका सेट है। उसके बाद इसमें IPCs वगैरह कैसे लगाने हैं ये इसका सारा सेटअप है। तो आप इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको असेंबलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हम आपको एक एक पार्ट लगाते हुए दिखाएंगे और एक्सप्लेन तो हम करेंगे ही, ये वीडियो इसी के लिए बनाया है कि आपको सेटअप में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, ये वेस हो गया। अब हम आते हैं इसके एक्सेसरीज के ऊपर। ये है IPCs वगैरह को कैरी करने के लिए, ये है फाइंडर स्कोप का ब्रैकेट और यहाँ पे फाइंडर स्कोप लग जाएगा। ये है हैंडल जो बेस में लगेगा, और तो ये है बैटरी अडेप्टर, ये दो जो बेस में नीचे लगेगा, नीचे तीनों साइड पे लग जाएंगे ये। और ये स्क्रू हो गए सारे, ये हो गया अडेप्टर, इसमें आप अभी लगा सकते हो 1.25 इंच के आईपीस, और ये कनेक्टर के माध्यम से 2 इंच के आईपीस भी लगा सकते हो। कंपनी के साथ में 2 आईपीस देती है, एक आप देख सकते हो GSO का 30mm वाइड फील्ड फुली मल्टीकोटेड आईपीस है जो कि GSO का सुपर व्यू वाला है, और एक कंपनी इसके अंदर GSO का प्लोजल आईपीस देती है 9mm का। ठीक है, तो ये 2 इसके अंदर दे रखी है साइड बैरिंग जिसके माध्यम से हमें अपनी ये 8 इंच का जो ट्यूब है GSO का इसको होल्ड करना है। और ये काफ़ी खूबसूरत आप देख सकते हो 8 इंच का ट्यूब है GSO का। तो दोस्तों चलिए अब हम इसका बेस जो है वो तैयार करते हैं, वन बाय वन आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, वीडियो में पूरा बने रहें। और हाँ जी, इसी टेलीस्कोप से एक दो दिन में आपको व्यू भी हम दिखाने वाले हैं कि इससे मून सैटर्न जुपिटर किस प्रकार से विजिबल हो रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो का एंजॉय लें। दोस्तों सबसे पहले हमें ये वाला पोजीशन उठाना है, राउंड वाले जो हैं दो, इसमें से ये वाला उठाना है, और इसके साथ में ये आता है, ये यहाँ पे लगेगा इस प्रकार से, और इसके ऊपर सारे पार्ट लगेंगे जिसके माध्यम से ये घूमता रहेगा।
ठीक है दोस्तों, ये लगेगा इस पे, हमें जैसे ये लगाना है और इसका सेकंड पार्ट भी लगाना है तो इसके माध्यम से रोटेट होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम इस पे लगाते हैं ये, इसके तीन जो स्क्रू दे रखे हैं ये हम आपको वन बाय वन यहाँ पे हमें लगा देने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये रखना है यहाँ पे इस प्रकार से, और ये रखने के बाद अब इसमें जो ये स्लाइड दे रखे हैं ये हमें रखना है, और ये तीन दे रखे हैं ये बीच में ही रहेगी। ठीक है, ये हमें इस प्रकार से यहाँ रख देना है, ये इस प्रकार से लग गया तो आप इसको घुमा सकते हो। ठीक है, अब हम इसका बेस तैयार करेंगे जो कि इसके ऊपर सेट कर दिया जाएगा। तो इसको हम साइड रखते हैं और अब हम ये इसके इसको बेस तैयार करते हैं। तो क्या करना है हमें, ये दो हैं इसके सेट, इसको दोनों को बराबर खोलना है और इसको इसके ऊपर कसना है, इसे ये स्क्रू को कसना है एलन की से, एक दो तीन चार, इस दो पे ये वाला पार्ट लग रहा है, उस दो पे वो वाला पार्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों, चारों को हमने सेट कर दिया है, लगा दिया है, इसको ड्राइवर से अच्छे से कस दिया है। अब हम इसको सीधा रखते हैं और हमें अब इसमें एक पार्ट और कनेक्ट करना है जो है ये, इस प्रकार से यहाँ पे लग जाएगा, इसके भी हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस हमने पूरा बना लिया है, अब इसके बाद हमें यहाँ बैक पे लगाना है इसके हैंडल इस बार ये तरीके से। तो हैंडल के भी स्क्रू दे रखे हैं, वो हम कस देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने ये लगा दिया है, अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अब अपने हम आई पीस रख सकते हैं अपने, तो हम रख ही देते हैं जब हमने ये लगा लिया है, तो ये हमारे यहाँ पे दोनों आई पीस आ गए। ठीक है, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे किस प्रकार से कनेक्ट करना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब ये हमें साइड बेयरिंग है जो इसके साथ में हमें कनेक्ट करना है, तो मैं कर रहा हूँ कनेक्ट। दोस्तों यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, तो दोनों ही को एक ही पोजीशन पे रखना है, जैसे मैंने इनको दोनों को जीरो पे रखा है, इस पोजीशन को जीरो पे रखा है, इस पोजीशन को जीरो पे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारे बेस के ऊपर, इस ट्यूब को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो स्क्रू है बाद में ऊपर से हमें यहाँ लगा देना है इस प्रकार से, इसको यहाँ लगा देना है। अब इसको आपको बिल्कुल फ्री रखना है तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा, अगर आप इसको टाइट करना चाहें तो आप इसको टाइट कर सकते हो जिससे आपको डिसबैलेंस नहीं होगा, बार बार अपनी मर्जी से नहीं घूमेगा ये। ठीक है दोस्तों, अब ये ट्यूब है जो हमें बेस के ऊपर रखना है, तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं ट्यूब को। इधर आ जा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको हमें सेट करके रख देना है इस प्रकार से, और हमें इसको अच्छे से टाइट कर देना है, तो जो भी हम पोजीशन देखना चाहेंगे वहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, और इस तरीके से लूज करके हम किसी भी मूवमेंट पे इसको रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम इसको यहाँ कस देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमको यहाँ लगाना है अपना फाइंडर स्कोप, तो फाइंडर स्कोप लगाने के लिए ये जो इसका ब्रेकेट दे रखा है फाइंडर स्कोप वाला, वो हमें यहाँ पे स्क्रू दे रखा है, इसको लूज करके यहाँ कस देना है, और उसके बाद हमें अपना फाइंडर स्कोप इन तीनों स्क्रू को लूज करना है। एक स्क्रू यहाँ पे दे रखा है, इसको हाथ से ही पुश करना है, और हाथ से पुश करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाएगा ये, और फिर बाद में जो दोनों स्क्रू हमने लूज किए थे
इन दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देंगे हम। ठीक है, अब हमें इसके बाद में लगाना है हमारा आईपीस। अभी यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लग जाएगा 1.25 इंच का आईपीस। अगर आपको 2 इंच के आईपीस कनेक्ट करना है तो ये जो अडेप्टर है इसको बाहर निकाल लेंगे और इस अडेप्टर को यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे तो हम 2 इंच के आईपीस लगा सकते हैं। और अगर आपको 1.25 इंच के लगाने हैं तो आप 1.25 इंच के आईपीस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको इसके ऊपर लगा के दिखा रहा हूँ 2 इंच का आईपीस, तो ये रहा 2 इंच का आईपीस हमारे पास जो कि 30mm का आईपीस है। सिंपल सा इस तरीके से यहाँ रखना है और इसको दोनों स्क्रू को यहाँ कस देना है। तो हमारा ये 2 इंच का आईपीस कनेक्ट हो गया है। और इसी प्रकार से आपको अपने 1.25 इंच के आईपीस लगाने हैं तो हमें यहाँ ये हटा के यहाँ पे इस प्रकार से रखना है। आपको स्क्रू को थोड़ा लूज कर लेंगे, रख गया, और उसके बाद यहाँ पे अडेप्टर को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो दोनों आईपीस को 1x1 इस तरीके से लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये था GSO 8 इंच प्रोफेशनल टेलीस्कोप का सेटअप। एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया है वीडियो में कैसे आपको असेंबल करना है। ठीक है दोस्तों, आपने अनबॉक्सिंग और सेटअप वीडियो देख ली होंगी, यही था इसका सेटअप। और इसे ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगे वो वीडियो हम आपको एक दो दिन में जल्दी ही डालने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहे। और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। जय हिंद, बाय बाय।